funny. Let's talk about it. ठीक है भाई, कल लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ फार्मूले लिखवाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले तो फार्मूले ही कंप्लीट कर दूं जरा, क्योंकि भाई क्या बताऊँ आपको, फार्मूले का मतलब पूछो कितने हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के तो मैथमेटिक्स चलता ही नहीं है। एक्चुअली ये जितने भी टोटल फार्मूले हैं सारे के सारे बाइनोमियल थ्योरम के थे। आप तो बाइनोमियल थ्योरम आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई होगी, फिर ये सारी चीजें आपकी बाइनोमियल में कंप्लीट हो जाएंगी। क्या बनाया सर तो ज्यादा क्वेश्चन खराब थे थोड़ी। लेकिन चीजें जब तक तो पूरी ना करते फिर क्वेश्चन तक कौन सा कॉन्सेप्ट भी है, और फिर एक अपना एक लेवल होता है चीजें का, बच्चे को लेवल ही नहीं बनना तो फायदा क्या हो। एक चीज है अच्छा, पसंद नहीं तो ये बस तक का फिकर करना है, देखता हूँ देखते हैं। फिर तो मैंने 5 लिखवा दिए थे आपको, साइन एक्स का हो गया था, कोस एक्स का हो गया था। अच्छा, सर कॉस एक्स साइन एक्स का इक्वल टू मैंने लिखवा था एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। जो कोस एक्स का है, कोस एक्स का हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल है। समझ में आया साइन कोस के में क्या डिफरेंस है? सर फाइव में तो इवन वो और नंबर थे और सर साइन एक्स में एक्स से स्टार्ट होगा, ओड नंबर है, एक्स की पावर 1 फिर 3 फिर 5, एक तो ओड हो गया, दूसरा प्लस माइनस हो गया। कोस में 1 से स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर एक्स की 4 यानी कि इवन आ गया। ठीक है, और एक होता है टेन एक्स का, ये कोस एक्स वाले को ई मान लो, और एफ टेन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की 3 अपॉन 3 प्लस 2 एक्स की 5 अपॉन 15। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं साइन कोस में फैक्टोरियल है, टेन में फैक्टोरियल नहीं। ठीक है, 15 15 ठीक है, तो कुछ फार्मूले इसमें साइन इनवर्स एक्स के भी हैं, सेक इनवर्स एक्स के भी हैं, उनको अभी हम छोड़ते हैं, जिन फिर ज्यादा माइंड पजल पजल हो जाएगा। एक आपने पढ़ा होगा फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर एन का, अगर हम इसको ओपन करें क्या आता है?
कि जो हमें इसको नॉर्मली अगर हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम एक्स प्लस ए की पावर, देखो उसमें शुरू में दिया हुआ है, बोलना जरा इसका फॉर्मूला यहां से स्टार्ट होती है। एन एक्स माइनस प्लस वाई गिनती एक्स प्लस। अब देखो मैं समझाता हूँ, बता क्या, क्योंकि इस तरह के बहुत से एक्सप्रेशन आपके लिमिटेड कंटिन्यूटी में यूज होते हैं। ये उस कंडीशन में है पॉजिटिव कंटिन्यू, मतलब एन क्या है, एक आपका पूर्णांक या कहें होल नंबर है, तब इसका एक्सप्रेशन करते हैं, इसका एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई पी टू डैश 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 एन सी एन माइनस वन पावर एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन और वाई की पावर एन, और जो फर्स्ट टर्म होती है इसकी एन सी जीरो एक्स एन माइनस जीरो प्लस वाई की पावर। ठीक, एक को हमेशा एक्स और वाई का जो पावर्स होंगी उनका सम एवरीवेयर विल बी एन, रिजल्ट क्लियर। दूसरा जो कोफिशियंट चलेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर एन सी वन, यहां पे टोटल टर्म कितनी है एक्स प्लस वाई की पावर एन में। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आई इसके एक्सप्रेशन में, एन जीरो से लेके एन तक चले, पहले टर्म में जीरो, दूसरी टर्म एन प्लस, ये चीज क्लियर हुई। कभी कभी अगर आपने पढ़ाओ बाइनोमियल में कि हम अगर इसके लिए, इस एन के लिए एन इज इवन नंबर, एन इज ओड हो गया, क्या हो गया, ये क्या है, ये पावर है, राइट। तो जो नंबर ओ टर्म्स होंगी वो इवन नंबर आओगे ना, और जब किसी भी एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म क्या निकाल पाते हैं, सिंगल आ मिलती है कभी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टर्म है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव और ए सिक्स, कितनी टर्म है, सिक्स, इवन नंबर है। मिडल टर्म कौन सी है, कोई प्रॉपर मिडल नहीं मिल रही, कौन सी मिल रही, थ्री, और कैसे मिली, सिक्स बाई थ्री प्लस, एक तो सिक्स बाई थ्री और एक सिक्स बाई थ्री प्लस वन। अब सिक्स की जगह यहां पे एन इज क्या था, ओड था, नंबर ऑफ टर्म कितनी, एन इज ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, इवन, कितनी आई,
एन प्लस वन, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, एक तो एन प्लस वन बाई टू और दूसरी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो इससे निकलेगा ए, बस इससे डायरेक्ट दो मिडिल टर्म निकल जाएगी। ठीक, बाय द वे एन इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगी, ओड, और जब ओड होंगी तो एन प्लस वन बाई टू हो जाता है, ऐसे समझ रहे ये क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मेस में, जब हम एक कॉमन इस पर चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज आपको और बताऊंगा, क्योंकि देखिए लिमिट में ये सारे हमें चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो, समझ के ही हम कुछ करेंगे, इससे पहले इसके बाद में आएंगे। अगर मैं एक्स प्लस वाई की पावर एन करता हूं, अब तो कुछ याद हो गया होगा फार्मूला, सबसे पहले एन सी जीरो, फिर लिखते हैं एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, डैश डैश सेकेंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ही अगर हम लिख लें एन सी एन आएगा भाई, 0 1 2 3, लास्ट तो एनसीएन आएगा कोफिशियंट। यहां एक्स की टर्म कितनी होगी एन, और वाई की टर्म प्लस, एक्स की टर्म और वाई प्लस, एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, यार कैलकुलेशन निकला, यहां भी टू यहां भी टू और यहां भी टू, यहां भी वन ये भी वन ये भी वन, यहां जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, या ठीक है एन एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर, ठीक है। अब किसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होगी, इसे घटा सकते हैं, ये इसका एक्सपेंशन होगी। दूसरा फॉर्म ये है कि जनरली अगर आपने 12th में देखा होगा ये एन नहीं मिलता लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं होती है, करके कहीं पे ये लिखा होता है ये इसकी जगह सी जीरो, तो उसका मान लेते हैं यहाँ क्या है एन। अब अगर इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू एक्स रख लू, एक्स इक्वल टू इसको तो लिखता ही नहीं हमने, सी जीरो एक्स की वैल्यू वन तो सी जीरो आएगा, वाई हाँ आप एक काम करो इसमें एक्स और वाई दोनों की जगह वन रख दो, ये क्या हो जाएगी एन सी जीरो, अगली टर्म क्या होगी एन सी वन, एन सी टू डैश 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 एन सी एन, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी वन प्लस वन टू की पावर एन, ये पढ़ा होगा टू की पावर एन, एन नहीं लिखते कोई जरूरत नहीं है, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डैश 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 सी एन, ठीक जीरो से स्टार्ट होके एन तक का सम टू की पावर एन। अगर से मैं नंबर ऑफ टर्म सी वन सी थ्री का सम करूं तो इसका हाफ हो जाता है, यानी कि टू की पावर एन माइनस वन, इसी में ही एक्स इक्वल टू वन रख दू y इक्वल टू एक्स रख दू तो जो फार्मूला बनेगा एन सी जीरो आएगा, एन सी वन और x की जगह वन आ गया, y y की जगह x आ जाएगा, यानी कि ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स की थ्री, एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, एन सी वन की वैल्यू एन एक्स, एन सी टू की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री, इसका एक्सपेंशन वन प्लस एक्स की पावर एन इफ एन इज ए होल नंबर, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस अपॉन टू फैक्टोरियल, ये लर्न हो गया इसका एक्सपेंसेस, समझ में आया कैसे कैसे आया।
जो मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा था, अब उसका अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, या तो उसको, हाँ ये बना, इसी के साथ ये फार्मूला बताता हूं, 1 + x की पावर n, यदि n क्या हो, या तो नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो, तब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nx + n × (+(n)) (+(n)) × (+(n)× (+(n)× (-1)/(-2)/(3)× (3)× (3)×(10)। समझ रहे हो? वन प्लस एक्स की पावर टू क्या आएगा, 1 + 2x + 2 × (2−1)/(2)² में से बन गया 1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया x² 1 + 2x + x² अगर इसकी हम आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, x² + x, ठीक, इसी करें x × 1 x² + 2x + 1, ये सेम आ गया ना, देखो क्यों जरूरत पड़ी बाइनोमियल की। तीन चार तक तो हम कर सकते हैं आसानी से बार बार मल्टीप्लीकेशन करके, लेकिन हायर पावर हो, मान लिया पावर 100 लिख दी, तो कैसे बनाए, तो उसके लिए हम इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। जब हम लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट में हमारा इन दोनों तक 95% हमारा काम हो जाता है, इतना एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। ये कब है, इफ एन इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, ठीक है। ये लिख लो, पांच एक और लिख लो, आगे चलते हैं। पहली क्लास चल रही आज बल भी है केमिस्ट्री। देखिए फंडामेंटल थ्योरम्स है ओनली में, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, लेट लिमिट दिखाई दे रहा ना, दिख रहा, x टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट x टेंड टू ए जी एक्स इक्वल टू एम और एल एंड एम
आर फाइनाइट, ठीक है, क्या है ए, ये कहता है लिमिट एक्सटेंड टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस या माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल टू एल प्लस माइनस, क्या समझे? यानी कि अगर लिमिट किसी भी क्वेश्चन में दो फंक्शन ऐसे हैं जो प्लस में लिखे हुए उन पर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों की अलग अलग लिमिट के बराबर होगा। कहने का मतलब ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ऑफ जी एस दैट इज एल प्लस माइनस। क्लियर हो गया कि ये प्लस के हुआ, अगर मल्टीप्लीकेशन है उसके लिए भी दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई बजेगी, यानी कि सेम एफ एक्स जी एक्स यहां लगा हुआ है, ये लिमिट लिखा हुआ है एक्सटेंड टू ए, तो ये हो जाएगी कैसे, इसकी अलग लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स इक्वल टू एल इंटू एम, इसी तरह डिवाइड पे लगेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए इसके साथ किसी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और वो सारे की लिमिट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि के बाहर निकाल दो और लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स राइट, या इसको लिख सकते हैं के इंटू, ठीक है। जिससे थोड़ी फंडामेंटल है, जिस तरह के आपने उसमें पढ़े थे, आपके सेट्स पढ़ते हैं ना, यानी कि एक तरह से लिमिट इस तरह बिहेवियर करती है जैसे कॉमन चीज किसी में से निकालते हैं, फिर अंदर उसमें पूरे पैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली चीज है। हाँ लेगा, अरे इधर नहीं से कैसे, इधर से कैसे जाया करूँ? मैं पहले तो पहला नंबर पे जाऊँ, फिर वहां से और फिर यहाँ पे।
मैं तो तेरी कोचिंग सेंटर खोलना सोच रहा है इस फ्यूचर के अभी तो वही बस एक्सपेंड और मैच देखिए कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, सुना होगा हिंदी में, अपरिभाषित, लिमिट निकालते हुए कुछ कंडीशन आ जाती है इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं तो जब फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में दिया होता है, ऊपर भी है कुछ न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कुछ कंडीशन आ जाती है। कैसे? 0/0 हो जाता है अगर कोई वैल्यू पुट करे, या इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाता है, या 0 × ∞ हो जाता है, ठीक है, या ∞ - ∞ हो जाता है, या 0 की पावर, या इन्फिनिटी की पावर, या 1 की पावर इन। ये सात हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर लिमिट निकालते हुए क्वेश्चन में कहीं भी ये सातों कंडीशन अगर आ जाए तो फिर अब इनसे बचेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो लिमिट निकालनी है। हेलो, हाँ फिलहाल तो ठीक चल रही है। कौन से नंबर पर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉर्म रहेगी तो हम लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, तो इन कंडीशन से हम कैसे बचेंगे? अब क्या कह रहे वैल्यू इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है। अब तक हमने अगर कहीं पढ़ा है 1/2, इसका मतलब क्या है कि कोई होल थिंग थी, वन थी, कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसके टू पार्ट्स किए, उसमें से एक ले लिया 1/2, हमने यही तो पढ़ा ना कि ये हमने इतना पार्ट ले लिया। लेकिन 0/0 को क्या करें, इसे क्या समझे? ये 0 को 0 से डिवाइड करके ऐसा तो है नहीं कि बना जाएगा, क्योंकि अपने आप ये अनडिफाइन हो। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे कोई रिजल्ट निकलेगा? नहीं। 0 की कंडीशन ये है कि अगर ये किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या बना देता है उसको, यही कंडीशन इनफाइनाइट की है। इनफाइनाइट के अगर किसी में मल्टीप्लीकेशन कर दे उसको क्या कर देता है, इनफाइनाइट। अगर 1 की इनफाइनाइट में मल्टीप्लीकेशन कर दे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। 0 ये कह रहा कि अगर मैं 1 में मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मैं 0 कर दूं, दोनों अपने आप में सुप्रीम हो रहे। लेकिन जब इनकी आपस में होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कोई नहीं बता सकता कि इफेक्ट इसका पड़ेगा या इसका पड़ेगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे क्या करेंगे, समझ रहे क्यों है ऐसा? अपने आप में इनफाइनाइट पता नहीं कहां तक है, और उसमें से घटा रहे क्या कि ये पता नहीं कहां तक है, तो कोई रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। यही 0 की पावर 0 है, 0 की पावर 0। हालांकि अगर किसी भी नंबर की पावर, एनी बड़ी कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। लेकिन 0 की पावर क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता, यही इनफाइनाइट की पावर 0 है, और 1 की पावर इनफाइनाइट ये भी अनडिफाइन है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये हमें साथ के साथ फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में बनेगी ताकि हमें पता हो कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इनसे बचने क्या तरीके हैं। अगर मान लिया एक्सप्रेशन एलजेब्रिक है, क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एलजेब्रिक का मतलब जिसमें एक्स वाई यूज हुए हुए हैं, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी है,
या तो उसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, या रेशनलाइज कर देंगे। जैसे रूट वाली आते हैं ना, ऊपर नीचे गुणा करना, रेशनलाइज का मतलब हिंदी में होता है, बताओ हिंदी में क्या होता है? हाँ, प्रिमेयकरण, समझ गए, रेशनलाइज कर देंगे। या नंबर एक, नंबर टू, नंबर थ्री, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, ये किसी के लिए भाई, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये दो ही काम कर सके। ये नहीं काम चला, फंक्शन मान लिया टेन में है या एक्सपोनेंशियल में है या लॉगरिथम में है, तो हो सकता है कि यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट हो सकती है। जैसे हमने जो फार्मूले में बताई कि एन टेन टू इन्फिनिट, एक्स टेन टू इन्फिनिटी, वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स इक्वल टू ई, या तो वो यूज करेंगे, अगर वो भी काम नहीं चल रहा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, वो भी बताएंगे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर फाइव, या फिर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, या क्या कर देंगे, एक्सपेंशन ऑफ, इसका मतलब समझ गए, फलन का प्रसार। फलन का प्रसार कैसे होगा, बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये चीज समझ में आई, इन्हें लिख लो एक बार। तो आपको वहां चेंज करना पड़ता होगा, कहां सर नहीं डायरेक्ट नहीं, यहां से वहां तक जाने के लिए, तो यहां से फिर आप मालेगा घंटा करते अच्छा, फिर फिर उन्होंने कहा भी मिल जाए मुझे ना ऐसे मिल जाए, तो खड़े रहते हैं मैं तो बैठ जाऊंगी काफी देर में मिलते होंगे। सर 10-5 मिनट में कब तक हो गया आपको कोचिंग सेंटर मैं फरवरी फरवरी या मार्च में स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब तो बच्चे मिलने के नहीं। नहीं सर सब बच्चे ही रहते हैं
इसके हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे होगा। बुक्स होगी उसमें से कुछ हो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे जब भी कुछ काम चलेगा। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा आपका, लिमिट एक्सटेंड टू टू, एक्सटेंड टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस सिक्स। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू थ्री रखूं, नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री कितना हो जाएगा? ऊपर भी जीरो और इसी तरह नीचे भी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। कैसे निकालना है? अगर इसमें जुगे तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो जीरो आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? इसका सबसे पहले एल्जेब्रिक है फैक्टराइजेशन किया जा सकता। इसके अगर हम फैक्टर करें, क्या फैक्टर होंगे इसके? थ्री माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वन, एक्स माइनस थ्री, यही हो जाएंगे ना नीचे के इसके। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन एक्स प्लस थ्री, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। ऊपर से पहले में से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री। ऊपर से देखें तो एक्स माइनस थ्री होल कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो क्या आया? ये इक्वल आ गया लिमिट एक्स टेंड टू थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दैट इज एक्स की वैल्यू थ्री रखिए, थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन फोर अपॉन टू, दैट इज टू। हो गया ना? अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि हर किस क्वेश्चन को देख के ही पता लगेगा कि उससे समस्या क्या है उसके साथ और उसे कारण क्या। क्वेश्चन आपका एक और है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू जीरो रखो, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, वन से वन कैंसिल, ऊपर जीरो और नीचे जीरो। क्या कर क्या दिख रहा, क्या करें चीज, फैक्टर पॉसिबल है इसके? रेशनलाइज कर ले, रूट है ना, मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स। ये माइनस माइनस है ना दोनों अंदर। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अपॉन क्या जाएगा, एक्स रूट वन माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल वन माइनस एक्स माइनस वन और प्लस
एक्स एक्स से एक्स कैंसिल और वन से कट गया ना, क्या आया लिमिट में देख लो, वन माइनस एक्स ही है उसमें, वन प्लस एक्स भी कर दिया, पहला वन प्लस एक्स है ये, ठीक है। तो ये वन प्लस एक्स की होगी, वन प्लस एक्स की। अगर माइनस माइनस ही अगर बाय द वे होता, अगर होता फिर इतनी जरूरत क्या आती है, ये क्वांटिटी सेम अंदर की सेम हो रही तो या प्लस किया माइनस किया कैंसिल होके जीरो ऑटोमेटिक ही आ रहा, फिर लिमिट भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ भी तो जीरो आ गया, यहाँ वन से वन कैंसिल, ये ऊपर जीरो आएगा नीचे झुका तो बचा हुआ है, तो इसका मतलब वो भी सही था। लेकिन अब उसमें प्लस अब क्या होगा, ये प्लस आएगा, ये एज इट इज प्लस रहेगा, बस एक ये प्लस हो जाएगा और तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां वन से वन कैंसिल, अब एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे अपॉन एक्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस, राइट नाउ एक्स इज कैंसिल, ठीक। लिमिट एक्स टेन टू जीरो टू अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, वी विल गेट टू अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, दिस विल बी वन एंड दिस इज विल बी जीरो, हाँ ये भी वन होगा एंड दिस विल बी टू, एक्स टेन टू जीरो लिख रहे हैं ना हम, तो ये भी वन एंड दिस इज भी वन, वन आ जाएगा। राइट लिखना है, ठीक है, यही पे ही नाउ या और एक तरीका क्या है रेशनलाइज जब रूट हो, दूसरा तरीका एक और है अगर रूट हो, क्या है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू है ना ये, वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन, ठीक है। ये इस बुक में नहीं दिया हुआ सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं आप, बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन माइनस अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ना, लगी ना बाइनोमियल, वन प्लस एन एक्स, आगे के लगा ही नहीं रहे, एन इंटू एन टू की जरूरत ही नहीं, दो की जरूरत है, ये प्लस का हो गया वन से आधा आधा वन एक्स आ गया, एक्स अपॉन इससे वन कैंसिल तो वन आएगा, लिमिट भी रखने की जरूरत, समझ रहे। तो पर फिर हमें किसे देना बाइनोमियल, अब इसे लिख लो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने दो मेथड से कर दिया ना ये, वो तो लंबा पड़ रहा बहुत ज्यादा,
मैंने एक एक्सपेंशन आपको लिखवाया था, लॉग 1 प्लस एक्स पर लिखवा था, तो देखिए लॉग ठीक है। ये लर्न कर लेना, क्योंकि यस थैंक यू। चल लिमिट लास्ट है। हाँ मंडे से कंटिन्यूटी कराऊंगा, क्योंकि इसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इससे ज्यादा लिमिट कराई जा सकती। ऑल ओवर ही मान के देखना आप, बुक देखना उठा के, कौन सी बुक से करोगे? अरिहंत की है ना, उस बुक से देखना आप कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इस तरह के तुम्हें मिलेंगे, कम ही क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट होंगे या कुछ टफ होंगे। ठीक है, तो मैंने लिखवा था लोग 1 प्लस बेस इसका ई होता है। क्या लिखवा था मैंने इसके लिए फार्मूला? हाँ एक्स माइनस नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर। ठीक है, देखता हूँ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है भाई साहब ने, तो पता नहीं कैसे दिया, तो मैं देखता हूँ जो निकलता है। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर x। क्लियर है, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। हमने कल एक फॉर्मूला लिखवा था कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 ऑब्लिक इनफाइनाइट हो और 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट हो, इसकी वैल्यू e हो। ठीक है, e में तो आएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो e स्क्वायर इसका आंसर आएगा। 3 होता 3 आ जाता, 4 होता 4, n होता तो n आता, e की पावर n। लेकिन देखते हैं कि अभी निकलेगा कैसे। ये फंक्शन किसके इक्वल है? मान लिया y के इक्वल है, भाई y तो मान के चल रहे फंक्शन, या इसी को ले लो आप, y इक्वल 1 प्लस 2 की पावर x। हमने देखा होगा जब वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की पावर, और वहां में क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होता है, किसी भी कहीं ट्रिग्नोमेट्री में कर रही है, कहीं भी तो लोग लेते हैं, और लोग कौन सा लेते हैं? बेस ई। देखिए, या तो लोग का बेस लिखा हुआ होगा 10 या ई होता है, अगर वहां नहीं लिखा हुआ तो हम उसको ई ही मान के चलते हैं, 10 नहीं मान के चलते। तो टेकिंग लॉग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इक्वल टू लॉग बेस ई 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर x। लॉग m की पावर n क्या होता है? एक्स n लॉग, ये होगा ना किसके इक्वल, राइट? लॉग y इक्वल टू एक्स को रखते हैं, लॉग e का एक्सपेंशन कर दें, किसका कर दें? लॉग e 1 प्लस x, क्या आएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर y ठीक प्लस पावर 3 अपॉन 3। हमें पता है कि इससे ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, कर दिया था ना, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आ गया, माइनस 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 4 अपॉन 2 कितना जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ गया, एक्स बटे में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस एक्स की मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या जाएगा? 8 आएगा, और बचेगा 8
नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/27, एक्स की 3 होगा तो ये बचेगा प्लस 8/27 एक्स स्क्वायर, छोड़ दो आगे। सर आपने 3 का क्यों किया? ये पावर 3 है ना 2 की। अच्छा अरे तो 8/27 इसका नहीं होने का, 3 आएगा। हाँ इसके मैं उसकी पावर कर दी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, किसके इक्वल है ये? लॉग यू वाई। बताओ कोई डाउट हो तो। अगर मैं इसको y इक्वल टू लिखू तो ये e बेस चढ़ जाएगा ना इसका। सर ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक, y किसके इक्वल मान के चले थे हम, यानी कि 1/2/x बराबर क्या आ गया? ठीक है, लेनी क्या है इसकी? अब हमें लिमिट, लिमिट किसकी है ये? एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 1/2/x हमने बताया ई तो जुगा तो रहेगा, लिमिट इसकी ऊपर जाके चढ़ जाएगी। ई लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 2 - 2/x +8/3 एक्स स्क्वायर डैश डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ई लिमिट रखे हैं यहां तो, ये तो 2 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? लिमिट वो इनफाइनाइट। अब जब किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जी ये भी क्या आएगा आगे की टर्म सारी कितना आएगा? ई की पावर किसकी लिमिट? इसकी जो निकाल ली थी हमने, क्या निकाल ली थी? ई स्क्वायर ही निकाल ली थी ना यहाँ आगे स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चनों में ये डायरेक्ट यूज होगा फार्मूला जो हमने कल लिखवाए थे ना, वो ई कैसे आती है अब तो समझ में। ये अगर हम ऐसे होता है, देखो अब एक चीज है, जब हम क्वेश्चनों को करेंगे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या डायरेक्ट यूज करेंगे? लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1/(n/x)x इक्वल टू e^n, ये हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। लेकिन एक कंपेटिटिव स्टूडेंट होने के नाते ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आई कैसे, और ये बताएगी आपको बाइनोमियल। ठीक है, अब हम दोबारा से कभी यूज भी करेंगे तो अच्छा लगेगा यूज करते हुए, एक्चुअली इसके पीछे जो हाँ ये है कहाँ से आया। बुक्स में अगर आप देखोगे भी, कुछ बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, तो उसने डायरेक्ट कर रखा है फॉर्मूले से। नहीं बिना फॉर्मूले के भी पता नहीं कैसे कर दिया क्वेश्चन, इतने लिखे ऐसे दिया कि उसने तो एक ही लाइन में किया क्वेश्चन सोल्यूशन।
बच्चों में भी है नहीं क्रेज कुछ पढ़ने का आपके शहर वाले। ट्यूशन ये सब बच्चे पढ़ते हैं पर पास हम बच्चे पढ़ाते हैं पढ़ने। इनके पास है जिंदगी मानव मन तक पक्ष के तो नहीं तक अच्छा बट स्कैम से गलती गई है पहले हमारे दल से पहले मानव से गलती ठीक रहेगा नहीं वहां पे काफी कोचिंग लग रहा है गांव में तो एंड में कोचिंग भी आ जाता तो अच्छी चीज देते जोर बढ़े फीस से ज्यादा दे रही थे क्योंकि जिस केमिस्ट्री मैथ का ले रहे थे 12 रुपये नहीं निकल रहे थे। एक क्वेश्चन था इवेल्युएट इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड टू 0 लिमिट एक्सटेंड टू 0 टी की पावर एक्स -1 -x पावर में हाँ टी की पावर एक्स को अलग हो गया हाँ ये सारे में से -1 और फिर -x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में पूरे के अपॉन में पूरे का फोन में ठीक अच्छा ऐसे तो कम था बोलेगा इतने आसान क्वेश्चन भी आप नहीं करोगे भी पहले देखते हैं अगर एक्स की वैल्यू हम इसमें 0 रखते हैं तो ये कितना होगा ए की पावर 0 की वैल्यू ए की पावर ठीक 1 से 1 कैंसिल हो रहा है ये भी 0 हो रहा है ये भी 0 भी 0 कौन 0 है फैक्टराइज हो नहीं सकते रेशनलाइज नहीं हो सकता तो क्या किसी का एक्सटेंशन करके काम चल सकता है एक्सटेंशन देखो हो सकता है कभी कभी नहीं इसका तो कोई एक्सटेंशन नहीं इसका तो एक्सटेंशन कर सकते हो ये पावर एक्स का पढ़ा है कि पावर एक्स के इक्वल क्या होता है क्या सर 1 प्लस आउट ऑफ फॉर्मूला अच्छा 1 प्लस फॉर्मूला प्लस एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 ये लगाइए ना कि ठीक है सोचे नहीं करते करना शुरू कर देते हैं गलती तो होगा तो इससे ज्यादा क्या होगा वो
लगे कुछ पास में। फॉर्मूला लगाया कुछ करके कैसे लगा फॉर्मूला लगा दो फिर एक दो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अच्छा अब आगे तो डेट डेट में कितने कहाँ तक रहेंगे प्रैक्टिस करो भाई, ट्वेल्थ की बुक है, जितने भी इसमें लिमिट्स के क्वेश्चंस है ना सारे निकाल लो टोटल। भाई मैं सारे हो जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ आएंगे कुछ, लेकिन कुछ नहीं आने का, समझ में आया। लिमिट है एक्स टेन टू ए की पावर एक्स माइनस वन, ये है ना, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, रेशनलाइजेशन नहीं है, तो एक्सटेंशन तो कर सकते हैं। अब देखना तुमने क्या किया था, मैं क्या करूंगा, ए की पावर एक्स का वन प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स की थ्री अपॉन मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है ठीक, बस एक्स की थ्री तक कर लेते हैं इसमें। ठीक है बोलिए तुम लोग। क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें, आ गया ना। यहाँ सब तो समझ में आ रहा, एक्स की वैल्यू जीरो रख दो,
क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी क्वेश्चन को देख के हमें पता लगेगा कि करना क्या है इसमें। मान ले ये क्वेश्चन कर लिया, इस तरह का अगर हमें ये एक्स वाला दोबारा कोई मिलेगा तो फिर कर लेंगे। लिख लिया ठीक अच्छा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? बाय लिमिट एक्स टेंड टू इनफिनिटी एक्स इनफिनिटी साइन वन अपॉन एक्स की क्या होगी? होगी होगी यार, है में अंतर हो ये फोन में आया ना मैंने तुम्हें कि अब एक्सटेंड टू जी जिसे, यानी कि इस तरह से होंगे ना साइन जीरो अपॉन जीरो। अगर इसको भी हम ऐसे ही बना दें, लिमिट तो एक्सटेंड टू इंफिनिटी है तो हम बदल नहीं सकते ठीक। तो वन अपॉन एक्स अपॉन ऐसे लिख सकते हैं इसको, जीरो ये कितना हो गया जीरो बन रहा ना। अगर इन्फिनिटी रख दें, अगर इसमें भी इन्फिनिटी रख दें तब भी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हो गया एक तरीका। या लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स साइन वन अपॉन एक्स है ना, लेट एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रख दे? जीरो एक्स कितना है? इन्फिनिटी वन अपॉन वाई ठीक। ये इन्फिनिटी क्या होता है? वन अपॉन जीरो। वाई की वैल्यू क्या है? फंक्शन बन गया हमारा लिमिट, और वाई टेंड टू क्या हो जाएगा? एक्स की जगह और साइन लिमिट मोहब्बती भाई दोबारा जान लग रही जी हाँ शिकत करी आज थोड़ी देर में। साइन वाई अपॉन वाई बन गया ना, बताओ इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है? हैं अच्छा क्लियर हो गया। अगर यही क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन एक्स हो, उसकी वैल्यू कितनी है? क्या होगी? सेल बनी होगी जिसे ये टाइम चेंज हो ही नहीं हो जाएगी ना। कैसे? आपने कहा इसकी वैल्यू वन होगी ठीक है, जीरो अपॉन जीरो हो, लेकिन दोनों के चेहरे भी तो सेम होने चाहिए। ये थोड़ी कि चेहरा अलग अलग, ऊपर नीचे से दोगुना माल है, लेकिन होना कितना चाहिए? बराबर। क्लियर? बराबर करें, 2 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 की यहां की तो 2 की यहां भी कर देंगे, अब हो गए ना सेम ठीक है। सारे की वैल्यू
इंटू टू कितना आ जाएगा हमारा? अब अगर ये हो साइन है फोन तो नहीं हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 1/2 आ जाएगी, कितना लग रहा था? या लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एन एक्स डबल एक्स वैल्यू क्या आएगी? हाँ इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, देख लो, क्योंकि बुक्स में एक जगह नहीं है चीजें मिलने की। देख लो करके लाना, देख लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स माइनस टू फॉर्म टू एक्स माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर टू। लिमिट एक्स टेंड टू 0 टेन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की डिग्री क्वेश्चन नंबर टेन टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स
अच्छा नंबर फोर ब्लेम इट टू जीरो की पावर 3x माइनस 1 फोर एक्स बाई ठीक है।